खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम बंगाल की खबर अब आपको दिखाते हैं। दक्षिण दिनाजपुर में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। पुलिस छिप रही है और गुस्साए कार्यकर्ता पत्थरों और ईंटों की बौछार कर रहे हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी दिनाजपुर के गंगारामपुर की हैं। बताया जा रहा है बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की विजय यात्रा को रोके जाने के बाद कार्यकर्ता भड़क गए। झड़प में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और दो सिविक वॉलंटियर्स घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप घोष का कहना है कि जीत के बाद ममता सरकार लोगों से मिलने से भी रोक रही है। लोगों ने हमको वोट देके जिताया है, उनको धन्यवाद करना हमारा जिम्मेदारी है, इसी के लिए हम लोग निकले हैं। लेकिन पुलिस हमको कहीं यात्रा निकालने नहीं दे रही, 144 जारी करके रखा है। जब हम लोगों के पास जा रहे रास्ता रोक रहा है, फिर स्वाभाविक जो होना था कार्यकर्ताओं के साथ झड़प होती है। देखिए, ममता जी का व्यवहार बहुत ही अप्रजातांत्रिक है और असामान्य है। चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उनसे ये हार सहन नहीं हो पा रही है। हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर बताकर विजय रैलियों पर रोक लगा दी थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीट जीती है, जो पिछली बार से 16 ज्यादा है। चुनाव के दौरान से ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता पुलिस का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ कर रही है।